नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने स्मार्ट स्टडी में। मैं रोहित लेकर आया हूँ आज सी टैट 2018 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो फ्रेंड्स, सभी को बधाई जिन लोगों ने यूपी टैट का एग्ज़ाम दिया था और वो क्लियर हो चुके हैं। और दूसरी बात है, जिन लोगों का एवरेज है यानी कि 78 नंबर जिनके आ चुके हैं, 78, 76, 75, उनके लिए मैं बता दूँ कि उन्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लग जाइएगा सी टैट में ओनली, ठीक है। उन्हें पता है कि हमारा नंबर यहाँ पर नहीं आने वाला, तो हमें क्या करना है, सी टैट की बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है और जहाँ पर भी कसर रह गई है हमारी वो हमें इस बार फिल करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। और जो लोग अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, तो तार वाली भाषा का अर्थ क्या होगा फ्रेंड, जो करेक्ट है उसी पर फोकस करेंगे। उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट कम लगाया होगा, है ना, तो हमारे नंबर तभी कम है। तो इसका मतलब इस बार बहुत अच्छे से अड़ जाना है, भिड़ जाना है और प्रैक्टिस सेट बहुत दबा के करना है, स्पीड भी हमें अपनी देखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, सॉरी 31 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाता है। और जो राइट ऑप्शन है उसी पर हम टिक करेंगे और वही हमें क्या करना है, फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक हैं। तो यहाँ पर हो जाता है 32 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। उसके बाद चलेगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो अनिवार्यता नहीं है, 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो 34 का देखिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो 35 का देखिएगा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। तो 36 में भी जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, उपयुक्त सभी बिल्कुल यहाँ पर फटाफट तरीके से राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 37। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह है किसका विचार है। तो ये विचार है नोम चोम्स्की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है, 37 का ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। सर में लगा यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। तो ये संकेत करता है नियमों का अति सामान्यकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब आई है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। तो देखिए 39 का फटाफट से जो राइट आंसर यहाँ पर जाता है, उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? प्रतिलिपि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वह हैं, तो वह हो जाती हैं, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कैसा है? संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 देखिएगा, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 43 है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि उसको वह अक्सर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44, सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है, सुनीता का उद्देश्य है। तो सुनीता का उद्देश्य यहाँ पर हो जाता है, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो यहाँ पर स्वर भक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निर्देश क्या कह रहा है अब? निर्देश, प्रश्न संख्या 46 से 54, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या आ चुका है? ये आ चुका है गद्यांश, हमें छाँट छाँट के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप स्किप करके भी इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको बहुत स्लोली स्लोली इसको दिखाऊंगा, शो कराऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है और इसी में से हमें क्या करना है, आंसर फटाफट से लगा देने। ओके फ्रेंड्स, जी तो पैराग्राफ फ्रेंड्स यहाँ पर भी अभी लास्ट में यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किसकी चर्चा देश प्रेम के एक रूप के तौर पर नहीं की गई है? तो देखिए 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अपने हित को सर्वोपरि समझना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो देखिएगा यहाँ पर हो जाता है, नागरिकों में देश प्रेम का अभाव, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है? तो राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्रीय की उन्नति के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, प्रस्तुत गद्यांश में किस पेशेवर की चर्चा नहीं की गई? तो ये देखिएगा यहाँ पर नहीं की गई, समाज सेवा की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो देखिएगा ये हो जाएगा देश प्रेम। फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, इत्यादि का संधि विच्छेद है,
इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो देखिएगा 51 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इति प्लस आदि यानी के इत्यादि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है, तो प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है संगठित राष्ट्र यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाता है टू। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, सर्वोपरि है, तो सर्वोपरि यहाँ पर हो जाता है देश। अगला क्वेश्चन है, अग्रसर का तात्पर्य है, तो अग्रसर का तात्पर्य हो जाएगा आगे की ओर बढ़ना। फ्रेंड निर्देश देख लीजिएगा यहाँ पर, प्रश्न संख्या 55 से 60, पदांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पदांश यहाँ पर दिया हुआ है, आप बहुत ही स्लोली से पढ़ लीजिएगा और वीडियो को स्किप करके भी आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए ये क्या करा है, हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ उठ कर, इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा, मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा, डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आ आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिन कर, इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी। तो फ्रेंड देखिएगा यह है पदांश, हमें यह करना है इसमें से क्वेश्चन का आंसर छाट कर लिखना है फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, कवि ने अपनी असफलताओं पर विजय कैसे पाई, तो कैसे पाई, ये पाई निरंतर संघर्ष करके। तो देखिएगा यह बात आ जाती है हमारे सी टैट के ऊपर भी, CTET, क्योंकि निरंतर संघर्ष करोगे तभी हमें क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 है, किनारे तक आकर डूबने का अर्थ है, तो किनारे तक आकर डूबने का अर्थ हो जाता है सफलता के समीप होकर भी सफल न होना यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, कवि सूर्य का उदाहरण देकर क्या बताना चाहता है, तो ये बताना चाहता है हार के बाद फिर संघर्ष करना। बिल्कुल सही, अगर आपके यूपी टेट में नंबर कम है, यूपी टेट में अगर नंबर कम है 78 आ रहे हैं या 79 आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें संघर्ष करना चाहिए और फोकस करना चाहिए CTET पर। ठीक है, तो इस बार CTET क्लियर हमें करना ही है हर हालत में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58, कवि ने अपना जीवन कैसे संवारा, तो कवि ने अपना जीवन संवारा हार न मानकर निरंतर संघर्ष करके। तो बार बार आपके सामने यही आ रहा है और पदांश भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हार न मानकर निरंतर संघर्ष करके। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, उठ उठ में अलंकार है, तो देखिए उठ उठ में हो जाता है पुनरुक्ति प्रकाश यानी कि उठ उठ में अलंकार है। यहाँ पर देखिएगा 59 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पुनरुक्ति प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, असफलता में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो असफलता हो जाता है ए, उपसर्ग प्रत्यय पहले आपने पढ़ा होगा तो ए लगता है पहले, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी कैसी लगी बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक बनता ही है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा और जो लोग अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स टारगेट हमारा रहेगा इस बार CTET क्लियर करने का, और इस बार बिल्कुल भी नंबर कम नहीं लाने हैं, हमें बिल्कुल बेटर नंबर लाने हैं, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट, जिससे कि हम शिक्षक कंप्लीटली तरह से बन सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।